नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज सपा पार्टी कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप का जिला अध्यक्ष कलीम खान की अगुवाई में जोरदार स्वागत किया गया। सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार झूठी सरकार है, भाजपा के सारे कार्य केवल कागज और किताबों में ही सीमित हैं, धरातल पर सब हवा हवाई हैं। राज्यपाल कश्यप ने कहा कि कन्नौज में सांसद और विधायक होने के बावजूद भी कन्नौज में उन्होंने 10 मीटर की सड़क तक ना बना सके और रिपोर्ट कार्ड में इतने विकास कराए कि मानो सारा विकास कागज पर ही सीमित है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश की पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है, युवा जाग गया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी से समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और भाजपा के पास कोई मुद्दे ना है, इसलिए वह चाचा जान और अब्बा जान के मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन जनता जाग चुकी है। वह उनके झांसे में अब नहीं आने वाली भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में युवा बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई, कोरोना काल में वेंटिलेटर की व्यवस्था न कर सके, पूर्वांचल में बनाए गए एक्सप्रेस पहली बारिश में डर गया, भाषा के सारे काम हवा हवाई अब जनता भी समा चुकी है। जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले 22 में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आज कन्नौज में क्या कार्यक्रम था, किसलिए आना हुआ यहाँ पर? समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से समाजवादी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन व सामाजिक न्याय यात्रा का तृतीय चरण चल रहा है। इस तृतीय चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके कन्नौज आए हैं। पूर्वांचल प्रथम चरण था, सेकेंड राउंड बुंदेलखंड था। जिस तरीके का भारी जन समर्थन सड़कों पे इस यात्रा में शामिल हो रहा है, अब पिछड़े दलित आदिवासी भारी संख्या में बीजेपी छोड़ के भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इससे हम पूरा भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और साथियों, अभी कुछ दिन पहले संजय निषाद जी आए तो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने निषाद के साथ में धोखा किया है, छलावा किया है, उन्होंने किनारा कर लिया, क्या मसला है इसे बताएं? किसने छलावा किया, किसने धोखा दिया, ये सब जनता जान रही है, निषाद समाज भी जान रहा है। और उनके बेटे को सांसद बनाने का और इस प्रदेश और देश में पहचान देने का काम और बराबर की गद्दी पे बैठाने का काम, सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आज तो उनको स्टूल भी मिल नहीं रहा है वहाँ, और आज उनके जितने भी कृत्य हैं वो सब सामने आ गए, हमें इस पे नहीं बोलना। अभी कुछ दिन पहले सतीश माना जी आए थे, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी अपनी खोई हुई छवि को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ताकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता ने नकार दिया है उनको। कहे से आए थे, हेलीकॉप्टर से? पीरबु सम्मेलन में आए थे। हेलीकॉप्टर से आए थे, कहे से आए थे? सड़क से आए थे, तो सड़क वही माननीय अखिलेश यादव जी की बनाई थी, एक्सप्रेसवे उसी से आए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि एक्सप्रेसवे जो सौरी कटे वो उन्होंने बनवाया था। वो तो झूठों के महासरदार हैं बीजेपी। अगर झूठों का गोल्ड मेडल कहीं दुनिया में मिल रहा हो तो बीजेपी को मिलेगा। झूठ में अस्पताल बन गए होर्डिंग पे, प्रचार भाषणों में अस्पताल बन गए, भाषणों में सड़क बन गई, भाषणों में नौकरियां मिल गई, होर्डिंगों पे कागजों पे नौकरियां मिल गई, स्पीचों में नौकरियां मिल गई, टीवी के प्रचार में सब अच्छा चल रहा है। इनके पास है क्या धरातल पे? एक बता दे, 10 किलोमीटर की सड़क कन्नौज में बीजेपी बता दे कौन सी बनाई है। हम सैकड़ों किलोमीटर की सड़क यही कन्नौज में बता देंगे, और कार्यकर्ता से पूछ लीजिए। आज कन्नौज सांसद ने अपना प्रेस कार्ड जारी किया है कि 4.5 साल में काफ़ी काम करा है, विकास कराए कन्नौज के लिए हैं, और अपराध की बात अगर उनसे कही तो उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त हुआ है, इस पर क्या कहना है आपका? उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया ना, जनता का रिपोर्ट कार्ड अभी 2022 में आएगा, और जनता का रिपोर्ट कार्ड अभी जिला पंचायत चुनाव में दिया था, जिसमें जमानतें नहीं बचा पाए बीजेपी। जनता ने बीजेपी के प्रत्याशियों को ढूंढ ढूंढ के हराया है, और एक और हारे हुए जिला पंचायत में इन्होंने लोकतंत्र को फिर लूट तंत्र में बदला है, लूट तंत्र से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है, भ्रष्टाचार करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है, अभी जनता जवाब देगी। उनका कहना है कि उनकी सरकार में कोई बेरोजगार युवा नहीं घूम रहा है। कितने लोगों को नौकरियां मिल गई बता दो।
नाते रिश्तेदार को मिली? आप पत्रकार साथी हैं, आपके किसी के परिवार में नौकरी मिली? नहीं मिली। तो फिर अब क्या इससे ज्यादा प्रमाद है? ये झूठे प्रचार हैं और इन झूठे प्रचारों से जनता त्रस्त आ गई। कहते हैं महंगाई हमने खत्म कर दी, सिलेंडर मिल रहा है 1000 रुपए का। कह रहे महंगाई हमने खत्म कर दी, डीजल पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए का। महंगाई हमने खत्म कर दी, 700 का तेल मिल रहा है 200 रुपए में। ये बताओ GST लगा के, बिजली का बिल बढ़ा के नाना प्रकार से लूट रहे हैं। अब BJP को जनता करारा जवाब देगी और जनता इनकी जमानत न जब्त कराए तो कहना छोड़ देना, मैं टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी का काम 2017 में नहीं बोला, लेकिन 2022 में बम्पर बोलेगा। और योगी जी का कारनामा बोल रहा है और अखिलेश जी का काम बोल रहा है वर्तमान में। और माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अब जनता याद कर रही है। इन्होंने सपने दिखाए थे, 2 करोड़ नौकरी वादा किया था। और सभी मैं तो ढूंढता घूम रहा हूँ, बैकवर्ड के बेटे कितने कलेक्टर हैं, कहाँ है पाथम का बेटा कलेक्टर, प्रजापति का बेटा कहाँ कलेक्टर है, विश्वकर्मा का बेटा कहाँ कलेक्टर है, चौरसिया का बेटा कहाँ कलेक्टर है, पाल का बेटा कहाँ कलेक्टर है, लोधी का बेटा कहाँ है, कुशवाहा का बेटा कहाँ। हम तो ढूंढते घूम रहे हैं कहाँ कलेक्टर है, कहाँ कप्तान है। हमारी सरकार को बदनाम करते थे कि 58 SDM भर्ती हो गए, आज तक सूची नहीं दे पाए। ये दुनिया में झूठ बोलने का सबसे बड़ा गैंग है BJP। कन्नौज सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी में गुंडे, इनका हिसाब लिया जाएगा। गुंडे कौन है? गुंडों के सरदार BJP है। जितने गुंडे सब BJP में शामिल हो गए। कौन सा साबुन लगा देते हैं साफ हो जाते हैं, ये तो बता दें। जितने गुंडे, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी सब तो BJP में है, बताओ कौन है? नहीं है। 2022 में एंट्री करें उनके लिए क्या कहेंगे आप? तड़ी पार तक तो BJP में है, बताओ। तड़ी पार दुनिया में कोई BJP में बचा है और बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं? तो ये BJP का गुंडा राज है, BJP के गुंडे राज में बहन बेटियों को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया, पर्चे फाड़े गए, साड़ियां खोज खींची गई हैं। ये चीरहरण हुआ BJP के शासनकाल में, ये सब जनता ने देखा है। दलित बैकवर्डों पे किस तरीके का अन्याय अत्याचार कर रहे हैं? आज क्या सुरक्षित है? बहन बेटियों की इज्जत नहीं सुरक्षित है। लोग भूखों से मर रहे हैं, लोगों की नौकरियां छिन गई, लॉकडाउन में कितने लोग खत्म हो गए, लोग ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर रहे थे, इनके विधायक मंत्री मर गए, ये बेड नहीं दिलवा पाए, ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। लेकिन सभी मोर्चों पे का कहना है कि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं, कोरोना काल में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। मैंने बता दिया झूठों का गैंग है, उसके छोटे से टुकड़े हैं, ये भी गैंग के सदस्य है, झूठों के गैंग के सदस्य है। उनका महासरदार जो बैठे हैं दिल्ली और लखनऊ में, 2022 में ओबीसी एंट्री कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? अब ये लोकतंत्र है, कोई भी आ जाए, लेकिन सपा पे क्या प्रभाव पड़ेगा मुस्लिम वोटों को लेकर? जनता ने समझौता और जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को उस उत्तर प्रदेश के लिए अपना भविष्य तय करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को स्वीकार लिया है। और आज आप देख लीजिए जाके लखनऊ की राजधानी में योगी जी का दरवाजे पे देख लेना और माननीय अखिलेश यादव जी के दरवाजे पे देख लेना, किसके पास जनता है? जनता के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं और गिफ्ट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस समय एक चचा जान का उजाला चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? BJP महंगाई से भागना चाहती है, बेरोजगारी से भागना चाहती है, किसान की आय दुगनी नहीं कर पाई, नौकरी दे नहीं पाई, ऑक्सीजन दे नहीं पाई, बच्चों की मौत हो रही, उनको अस्पताल दे नहीं पा रही, दवाई दे नहीं पा रही, गायों को चारा दे नहीं पा रही, गौशाला में लोग मर रहे हैं। इन सब चीज़ों का जवाब ना देना पड़े, इसके लिए BJP उल्टे टेढ़े बयान देगी और वही कर रही है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।